इस वक्त का खेल दुनिया का सबसे बड़ी खबर शायद यही है। रोहित शर्मा ने चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप खेले, T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है। तो उस जो T20 वर्ल्ड कप है वह पे मतलब एडन गिलक्रिस्ट ने जब रोहित शर्मा को इसके बारे में पूछने लगा तब रोहित शर्मा ने बोलने लग जाते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को मैं एज ए प्लेयर देखना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने टायर्ड है, लेकिन इस आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस देखते हुए ये तो नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने खुद भी नहीं खेलना चाहते हैं, उन्होंने टायर्ड है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं उस कोशिश में नाकामयाब रहूँगा। लेकिन जो दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक को मतलब दिनेश कार्तिक के बारे में भी पूछा गया था, हालांकि मतलब उन्होंने खुद के खुद नहीं बताया। तो दिनेश कार्तिक के बारे में जब पूछा गया था तब रोहित शर्मा ने बताया कि दिनेश कार्तिक को मतलब महेंद्र सिंह धोनी से उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करना पड़ेगा, उसको बोलते ही वो शायद हाँ बोल देंगे, इस तरह से बोल के रोहित शर्मा हंस पड़े थे, हो गया। लेकिन यही बात नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन टीम का जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो प्लेयर लिस्ट है वो फॉर्मेट करते हैं और रोहित शर्मा उसको मतलब रोहित शर्मा पहले फॉर्मेट करते हैं, उसको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं BCCI ने, मतलब कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। तो इस बार भी वही होने वाला है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जो रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक का नाम साजिस्ट करते हैं या फिर नहीं है। अब सभी लोग जानते हैं कि एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखी है कि इस जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करने वाले हैं। ये मतलब विराट कोहली का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं इस IPL में। तो ये बात मतलब ऑफिशियल बिल्कुल ही नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बात ऑफिशियल है, लेकिन इस बात में दम बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस जो बात का जो सोर्स है वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में बताया गया है। मतलब कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी सोर्स होना चाहिए, तभी इस तरह से न्यूज़ चैनल पब्लिसिटी इसका करते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि विराट कोहली और दिनेश कार्तिक इसको ले जाते हैं या फिर दोनों को ली जाती है या फिर किसी को भी नहीं ली जाती है, तो यही देखने वाली बात होगी। लेकिन रोहित शर्मा ने मतलब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और भी एक बातें कहा है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को वेस्टइंडीज और US में मतलब जाने के लिए बोलूँगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है और इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक्सपेक्टिंग घटना होने वाली है, क्योंकि इस जो ODI वर्ल्ड कप है वहाँ पे इतने बार जीतने के मतलब इतने मैच जीतने के बाद भी फाइनल हार जाना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी ये बहुत ही बुरा असर पड़ा है उसका। तो हम महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश करेंगे उनको जाने के लिए, मतलब एज ए प्लेयर नहीं बल्कि एज ए मेंटर के लिए। तो इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट को लाइक करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।